हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपका है टीसीपी का अर्थ है, ऑप्शन ए टेली कम्युनिकेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी ट्रांसमिशन एंड कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन आपका है रैम पूरे प्रोग्राम में उपयोग के लिए एक प्रकार के वेरिएबल्स को बरकरार रखा जाता है और प्रोग्राम निष्पादन के दौरान पुनः आवंटित नहीं किया जाता है, ऑप्शन ए ऑटोमेटिक, ऑप्शन बी स्टैटिक्स, ऑप्शन सी डायनेमिक, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टैटिक। अगला क्वेश्चन आपका है लिब्रे ऑफिस में प्रिंट खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यक्स। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। अगला क्वेश्चन आपका है विंडोज ओएस के लिए वेब पेज को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस पी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस यस, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस ओ, ऑप्शन डी नन। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस पी। अगला क्वेश्चन आपका है लिब्रे ऑफिस राइटर में रिड्यू करने के लिए कुंजी का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस जेड, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एक्स, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस वाई, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस वी। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस वाई। अगला क्वेश्चन आपका है वेब एड्रेस को के रूप में भी कहा जाता है, ऑप्शन ए यूआरआई, ऑप्शन बी यूआरएल, ऑप्शन सी एचटीटीपी, ऑप्शन डी नन। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी URL। अगला क्वेश्चन आपका है लिब्रे ऑफिस में हेडर शामिल करने का सही विकल्प कौन सा है, ऑप्शन ए फॉर्मेट हेडर, ऑप्शन बी एडिट हेडर, ऑप्शन सी व्यू हेडर, ऑप्शन डी इंसर्ट हेडर। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंसर्ट हेडर। अगला क्वेश्चन आपका है AEPS का पूर्ण रूप है, ऑप्शन ए आधार इनेबल्ड पेमेंट सिक्योर, ऑप्शन बी आधार इनरोल्ड पेमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। अगला क्वेश्चन आपका है जीमेल में अटैचमेंट का अधिकतम आकार क्या है, ऑप्शन ए 25 MB, ऑप्शन बी 25 TB, ऑप्शन सी 25 GB, ऑप्शन डी 25 KB। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25 MB। अगला क्वेश्चन आपका है कीबोर्ड के माध्यम से किसी फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए F1, ऑप्शन बी F3, ऑप्शन सी F2, ऑप्शन डी F4। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी F2। अगला क्वेश्चन आपका है संचार सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम किसके उदाहरण हैं, ऑप्शन ए डिवाइस ड्राइव्स, ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन आपका है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएँ, ऑप्शन ए इट इज ए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी इट इज ए हाईली सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी इट इज ए मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन आपका है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल है, ऑप्शन ए कर्नल, ऑप्शन बी टर्मिनल, ऑप्शन सी शेल, ऑप्शन डी कमांड। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नल।
अगला क्वेश्चन आपका है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए डिलीट, ऑप्शन बी rm, ऑप्शन सी dm, ऑप्शन डी इरेज। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी rm। अगला क्वेश्चन आपका है, अल्ट प्लस पेज डाउन स्लाइड शो में निम्नलिखित में से किस प्रभाव के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्ले नेक्स्ट इफेक्ट, ऑप्शन बी गो टू नेक्स्ट स्लाइड विदाउट प्लेइंग इफेक्ट, ऑप्शन सी शो प्रीवियस स्लाइड, ऑप्शन डी जंप टू फर्स्ट स्लाइड इन स्लाइड शो। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गो टू नेक्स्ट स्लाइड विदाउट प्लेइंग इफेक्ट। अगला क्वेश्चन आपका है, ब्लॉकचेन क्या है? ऑप्शन ए टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी, ऑप्शन बी ए डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर ऑन ए पीयर टू पीयर नेटवर्क, ऑप्शन बी ए सेंट्रल लेजर, ऑप्शन डी ए करेंसी। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर ऑन ए पीयर टू पीयर नेटवर्क। अगला क्वेश्चन आपका है, RAM का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए रीड एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी रेड एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि किसी कंप्यूटर में नहीं है तो वह बूट नहीं कर सकता? ऑप्शन ए कंपाइलर, ऑप्शन बी लोडर, ऑप्शन सी असेंबलर, ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन आपका है, ओटीपी सुरक्षित है क्योंकि ऑप्शन ए यह प्रत्येक एक्सेस के लिए अलग है, ऑप्शन बी यह साझा नहीं किया जा सकता, ऑप्शन सी उत्पन्न करना आसान है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यह प्रत्येक एक्सेस के लिए अलग है। अगला क्वेश्चन आपका है, अगर भेजी गई ईमेल भेजने वाले के सेंट बॉक्स में नहीं है और ना ही रिसीवर के इन बॉक्स में है तो वह कहाँ होगी? ऑप्शन ए ड्रॉप्ड, ऑप्शन बी सेंड बॉक्स, ऑप्शन सी आउट बॉक्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ड्रॉप्ड। अगला क्वेश्चन आपका है, लिब्रे ऑफिस में फॉर्मेट सेल के डायलॉग को खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एल, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस टी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस वन, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वन। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस वन। अगला क्वेश्चन आपका है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को हटाने की शॉर्टकट कुंजी है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस प्लस, ऑप्शन सी डिलीट, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस माइनस। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस माइनस। अगला क्वेश्चन आपका है, KYC का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए कीप योर कस्टमर, ऑप्शन बी नो योर कस्टमर, ऑप्शन सी नो योर क्रेडिट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नो योर कस्टमर। अगला क्वेश्चन आपका है, RTGS का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए रियल टाइम ग्रुप सेटलमेंट, ऑप्शन बी रियल ट्रांजैक्शन ग्रुप सेटलमेंट, ऑप्शन सी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ऑप्शन डी रियल टाइम ग्रॉस स्टेटमेंट। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगला क्वेश्चन आपका है, UTF-8 का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए यूनिकोड ट्रांजैक्शन फाइल, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म ट्रांसफर फॉर्मेट, ऑप्शन सी यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन आपका है, NEGD का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए नेटवर्क ई गवर्नेंस डिवीजन, ऑप्शन बी नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, ऑप्शन सी नेशनल ई गवर्नेंस डिपार्टमेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन।
अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य साइबर सुरक्षा खतरा नहीं है? ऑप्शन ए मैलवेयर, ऑप्शन बी फिशिंग, ऑप्शन सी फायरवॉल, ऑप्शन डी नन। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फायरवॉल। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सा साइबर सुरक्षा उपाय डेटा को अनधिकृत पहुंच से बचने के लिए इनक्रिप्ट करता है? ऑप्शन ए फायरवॉल, ऑप्शन बी इनक्रिप्शन, ऑप्शन सी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इनक्रिप्शन। अगला क्वेश्चन आपका है, ईमेल की तरह ट्विटर में को फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स। अगला क्वेश्चन आपका है, लिब्रे ऑफिस में कई प्राप्तकर्ताओं को पत्र भेजने के लिए निम्नलिखित में से किस टूल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए व्हाट इफ, ऑप्शन बी मेल मर्ज, ऑप्शन सी गोल सिकिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेल मर्ज।